Let us go ahead, ladies and gentlemen. We are done with our first four chapters of our syllabus. We are done with introduction. We are done with DTAA. We are done with cash loans. We are also done with NRI. Samay aa gaya to go to the next chapter, and we are still following the order of our index. In fact, NRI se closely related hi ye chapter hai. Name of our next chapter, Special Rates of Tax, which is chapter 12. Closely related, ek to chapter ke naam mein hi samajh mein aata hai, 12 hai. Aur iski jo section number ki range hai, in income tax law, chapter 12 ranges from 110 to, हाँ ये भी 5 साल पहले बीबीई पे ही खत्म होता था, एफ जी एच आई जे, एच और आई लास्ट ईयर ही आए थे, उसके पहले इतने साल तक तो 115 बीबीजी पे खत्म हो जाता था, फिर लास्ट ईयर एच और आई आए, इस बार जे आया. एक तो टीडीएस का चैप्टर और दूसरा स्पेशल रेट्स का चैप्टर. आंटी अगर रह गई थोड़ा टाइम तक तो दोनों को जेड तक लेके चली जाएगी. TDS तो T तक तो पहुंच गया, UVW XYZ भरोसा नहीं, उसके बाद में ZA ZB ZC भी ला दे, कोई भरोसा नहीं. स्पेशल रेट्स में अभी थोड़ा टाइम है, J तक पहुंचा है. एक टर्म और मिल गया आंटी को तो खत्म, टाटा. मेरे को लगता है कि अगर आंटी को वापस फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया ना, मोदी जी जीत तो जाएंगे ही, ऐसा लग ही रहा है, क्योंकि सामने कोई है नहीं लड़ने वाला. करंटली ऑपोजिशन इज वेरी वीक. आंटी को अगर वापस फाइनेंस दे दिया ना, तो इंडिया के 3 लाख सीए और 10 लाख सीए के बच्चों सबको जौहर करना चाहिए पार्लियामेंट. जौहर पता है, पद्मावत देखा है? सबको वहां पे जाके अपने आप को आग लगा के जला देना चाहिए कसम से, या फिर सब लोग साथ में चलो और पार्लियामेंट ही जला दो, वो बेटर है. बिकॉज उसके बाद में ना मरने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं, या तो मरना या मारना. तो आंटी इसको जे तक तो ले चली गई. आई होप नन ऑफ यू ऑल आर रिलेटेड टू हर. नो, कोई है क्या तमिलनाडु से? उसने तो, मैं बस आंटी के बारे में इतना बोलता हूं, उसने तो आना ही बंद कर दिया. मैं क्या बोला, नींद में पता नहीं. छोड़, रोज रोज क्या उसका भी मैं ध्यान रखू, क्या मैं मेरा ध्यान रखू कि उसका ध्यान रखू? पॉइंट इसका भी सही है. ओके, तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, विच ऑल्सो वॉज वंस अपॉन ए टाइम अ स्मॉल चैप्टर, हैज बिकम अ वेरी वेरी बिग चैप्टर. पार्टनरशिप, चैरिटेबल ट्रस्ट, असेसमेंट प्रोसीजर, ये सब छोटे छोटे चैप्टर थे, ये सब बड़े बड़े हो गए. 2 महीने का बैच जब 3 महीने में हो गया, तो यू कैन अंडरस्टैंड के क्वांटम जो बढ़ा है, और वो बढ़ा पिछले 2-3 साल में ही है. वो इतने में ही बढ़ा है, मतलब इसके पहले डीटी वॉज बिग बट नॉट इतना बिग ऑल्सो. ओके, करे तो करे क्या. वैसे चैप्टर 12 का रेंज इज 110 टू 115 बीबीजे, बट इन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टीच यू 115A से लगाकर 115BBH कराऊंगा. एंड जो लास्ट आया ना 115BBJ वो कराऊंगा. ऑफ कोर्स H और J के बीच में 115I है, कम ऑन, 115BBI, दैट विल बी डन इन चैरिटेबल ट्रस्ट चैप्टर. 115BBI will be taught to you in charitable trust chapter. और 115A के पहले के जितने भी sections हैं, 111A, 112, 112A, ये सब भी तो इसी range का part है ना, लेकिन ये हमने already NRI के अंदर cover कर लिया. So while chapter 12 का actual range in income tax law is very big, this chapter will confine or will be limited to this range of sections. क्या आपको ये समझ में आता है? और अब मैं इस चैप्टर स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स का एक शॉर्ट समरी आपके सामने, जैसे एनआरआई भी चालू किया तो एक लाइन में समरी दिया था. आपको पता है क्या, स्पेसिफिक असेसी, स्पेसिफिक इनकम, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स. कॉम्बो नहीं हुआ तो नॉर्मल रेट, कॉम्बो हुआ तो नॉर्मल और स्पेशल, विच एवर इज, याद आता है क्या? चलिए तो लेट मी गिव यू अ शॉर्ट समरी ऑफ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स ऑल्सो. इन दिस चैप्टर there is going to be a specific assessment. Particular को मतलब सबको नहीं लगेगा, plus मतलब and मतलब cumulative condition, there is going to be
स्पेसिफिक इनकम, देयर विल बी स्पेसिफिक असेसिंग, देयर विल बी स्पेसिफिक इनकम। और अगर ये कॉम्बो हुआ तो देयर विल बी अ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। स्पेसिफिक असेसिंग स्पेसिफिक इनकम का कॉम्बो हुआ तो स्पेशल रेट लगेगा। सर ये तो कुछ सुनेला सुनेला देखेला देखेला लगता है। किधर? एनआरआई में भी यही था। क्या मस्त टीचर मिला है, हमारे सब चैप्टर परफेक्ट हो जाए तो नए चैप्टर में भी पिछला ही चैप्टर वापस करवा दे। नहीं, मतलब पिछला चैप्टर वापस करवा रहा है उसके लिए नहीं, मस्त मिला है उसके लिए ऐसी है, उसके लिए नहीं है। लिसन, फास्टर यू आंसर बेटर इट विल बी। दस इन दिस चैप्टर ऑल्सो कॉम्बो नहीं हुआ तो नॉर्मल रेट, मतलब नॉर्मल असेसी नॉर्मल इनकम नॉर्मल रेट, स्पेसिफिक असेसी नॉर्मल इनकम नॉर्मल रेट, नॉर्मल असेसी स्पेसिफिक इनकम नॉर्मल रेट, कॉम्बो हुआ स्पेसिफिक असेसी स्पेसिफिक इनकम, कॉम्बो 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 हुआ, कॉम्बो हुआ, देन ओनली देयर इज गोइंग टू बी। यहां तक तो वी आर ऑल क्लियर मित्रों? बट द मेन डिफरेंस बिटवीन दैट चैप्टर एंड दिस चैप्टर, अगर ये डिफरेंस नहीं होता तो दोनों चैप्टर को एक ही साथ करवा देता, बिकॉज 115A से लगाकर 115I बीबीजे यहां पे आएगा, सी से लगाकर आई 12 एंड 12A। अगर ये डिफरेंस नहीं होता तो कि यहां पे दिए हुए स्पेशल रेट्स कंपल्सरी, मतलब इफ द कॉम्बो डज नॉट टेक प्लेस नॉर्मल रेट्स, एंड इफ द कॉम्बो टेक्स प्लेस ओनली दिस स्पेशल रेट, you do not have the option of going to normal, you do not have the option of going back to normal. As a taxpayer there is bad news, kyunki NRI mein combo mein bhi agar aapke liye benefit hota tha to hum aapko jaane dete the, lekin yahan pe combo hone ke baad agar normal beneficial hai to you don't have that option. As a taxpayer, it is bad news. As a CA student, congratulations. ये आपके लिए good news है. क्योंकि अगर combo नहीं हुआ है, there is only one calculation as per normal. और combo हुआ है, still there is only one calculation as per special. Because once the combo takes place, special rate is going to be compulsory. This is the main difference between that chapter and this chapter. अगर ये difference तो नहीं होता ना मित्रों, मैं सपत आई वुड हैव मर्ज्ड बोथ चैप्टर्स इनटू वन। यस देयर इज वन मोर स्मॉल डिफरेंस, माइनर डिफरेंस है, वो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, इतना ज्यादा बड़ा इंपैक्ट उसका आएगा नहीं, छोटा सा डिफरेंस है। सर क्या छोटा सा डिफरेंस? वहां पे ना एक ही असेसी था और उसकी दो ही इनकम थी, विच वॉज द ओनली असेसी कवर्ड इन दैट चैप्टर एनआरआई, और दो ही इनकम थी, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड स्पेशल रेट, और दोनों की एक एक रेट दी। यहां पे ना बहुत सारे सेक्शंस हैं, हर एक सेक्शन में देयर इज एन असेसी गिवन, उसके साथ साथ उस असेसी का एक इनकम दिया है और उस कॉम्बो के लिए एक रेट दिया। सो वी हैव टू ओपन अ सेक्शन, अंडरस्टैंड के यहां पे असेसी कौन है, अंडरस्टैंड के यहां पे इनकम क्या है और उसका रेट क्या है। अगर वो कॉम्बो हुआ तो स्पेशल रेट कंपल्सरी, नहीं हुआ तो नॉर्मल रेट कंपल्सरी। खत्म हो गया सेक्शन, गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। उसके अंदर एक असेसी दिया है, उसके अंदर एक इनकम दिया है, दैट मींस देयर इज अ कॉम्बो। अगर वहां पे दी हुई रेट है तो इट विल अप्लाई, कॉम्बो हुआ तो कंपल्सरी और नहीं हुआ तो नॉर्मल रेट विल अप्लाई। खत्म हो गया, गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, असेसी इनकम रेट, सेक्शन असेसी इनकम रेट, सेक्शन असेसी इनकम रेट, सेक्शन आफ्टर सेक्शन कॉम्बो दिए हुए। हर सेक्शन में, सेक्शन चालू होगा एक कॉम्बो दिया है, सेक्शन चालू होगा एक कॉम्बो दिया है। इफ द कॉम्बो टेक्स प्लेस स्पेशल रेट इज कंपल्सरी, इफ द कॉम्बो डज नॉट टेक प्लेस नॉर्मल रेट इज कंपल्सरी। प्लीज डू नॉट ट्राई टू एस्टैब्लिश एनी कनेक्शन बिटवीन एनी टू सेक्शंस ऑफ द चैप्टर, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट। सेक्शन 115A पढ़ोगे और उसके बाद आगे जाके 115AB पढ़ोगे
और आप सोचोगे कि सर इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, कुछ नहीं. अगर आप एनआरआई देखोगे, थिंक अबाउट इट, एफ में बोला टेक एग्जेम्पशन, जी में बोला डोंट फाइल रिटर्न, एच और आई में बोला ऑप्शनल है, रेजिडेंट बनने के बाद भी ले सकता है, वो एक फ्लो में चलते हैं, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है. ये सब सेक्शन इंडिपेंडेंट है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है. अगर कोई रिलेशन है तो बस इतना कि सब में एक कॉम्बो दिया. सो सेक्शन असेसी इनकम रेट, सेक्शन असेसी इनकम रेट, आपको ये साइकिल करते जाना. हर एक सेक्शन में कॉम्बो दिया है, इट्स अ वेरी रिजिड कॉम्बो. इफ दैट कॉम्बो डज नॉट टेक प्लेस, वन मोर टाइम प्लीज, कॉम्बो नहीं हुआ तो, एंड इफ दैट कॉम्बो टेक्स प्लेस, स्पेशल. क्लियर है? और इसीलिए यहां पे सेक्शन नंबर आपको लर्न करना पड़ेगा. इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इन द लास्ट चैप्टर, इधर मत करो अगले चैप्टर में करना. तो यू शुड नो कौन से सेक्शन में कौन सा कॉम्बो है. सेक्शन नंबर पता होगा तो थिंग्स विल बिकम स्मूथ, विच इज इंपॉर्टेंट. एंड दस इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, यर यू हैव टू लर्न. वेर एवर यू डोंट हैव टू लर्न, मैं खुद ही आपको बोल दूंगा मत करो. जैसे मैंने एनआरआई में बोला भी, बट मैंने अगर बोला करना है तो आपको फिर करना है. ओके, सो कैन आई से दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट लर्निंग द कॉम्बोज गिवन इन एवरी इंडिविजुअल सेक्शन. बट बिफोर वी स्टार्ट दोस कॉम्बोज, ये चैप्टर हमको कुछ जनरल पॉइंट्स टू बी नोटेड बताते हैं. दैट फॉलोइंग पॉइंट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल द सेक्शंस. वैसे तो हर सेक्शन में इंडिपेंडेंट कॉम्बो दिया है, बट फॉलोइंग पॉइंट्स विल अप्लाई टू All the sections of the chapter. क्या? No deduction of expenses, obviously against your revenue incomes. अगर इस chapter में किधर LTCG आ गया या कोई भी capital gain आ गया, आप पागल के जैसे ऐसा नहीं बोल सकते हैं no deduction of expense, नहीं तो cost नहीं मिलेगा. When we talk about no deduction of expense, we always talk about the revenue incomes. क्या हमने ये पहले भी कहीं देखा है? No deduction of expense, NRI में. कब? अगर आपने NRI का rates opt किया, तो अगर आप normal में गया, तो फिर deduction मिलता है. This point is not applicable. Come on, yes or no? तो sir इधर भी लिखो ना कि अगर special में गया तो. नहीं, इधर option available नहीं है. इधर special rate compulsory है, और क्योंकि special rate compulsory है तो स्पेशल रेट कंपलसरी है तो नो डिडक्शन. अरे आप समझा क्या? चलो, नो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कैन बी टेकन. नाउ लिसन, व्हेन आई से नो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कैन बी टेकन, आई एम ऑब्वियसली रेफरिंग टू द रेंज दैट आई एम कवरिंग इन दिस चैप्टर. ये वाले जो सेक्शंस है ये स्पेशल रेट के ही सेक्शन है, लेकिन ये तो मैंने किधर और कवर किया है ना. और इन तीनों के सामने तो रेसिडेंट, इंडिविजुअल रेसिडेंट, एच आर अलाउड टू टेक बेसिक एग्जेम्पशन, अपन ने पढ़ लिया. सो दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल टू द सेक्शंस दैट आई एम कवरिंग इन दिस चैप्टर. इनके सामने आप बेसिक एग्जेम्पशन नहीं ले सकते. 111 है, 112, 112A के सामने तो ले सकते, बट ओनली टू पीपल थ्री इनकम्स. सो व्हेन आई से नो बेसिक एग्जेम्पशन, आई एम नॉट रेफरिंग टू दिस चैप्टर 12. I am referring to special rates of tax जो हम लोग cover कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हैं. आप समझ रहे हो? Next, would you like to guess the next two points? इस chapter में आपको कोई भी chapter 6 से deduction, whenever an income is taxable at special rate, उसके सामने कोई chapter 6 का deduction नहीं मिलेगा. अरे लेकिन NRI में तो बोला था ना opt किया तो नहीं मिलेगा. इधर कंपलसरी है तो स्पेशल रेट लगेगा, तो चैप्टर 6 का डिडक्शन नॉट अलाउड. और एक पॉइंट प्लीज, वो तो 112A के सामने हमने लिख दिया, जब 112A पढ़ा तभी लिख दिया. आई होप वी अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट लर्निंग 112A इन दिस चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड इट. वी आर लर्निंग ओनली दिस रेंज ऑफ सेक्शन. तो जो भी पॉइंट लिख भी रहे वो भी से उसी रेंज के लिए लिख रहे. Come on, someone said it here. इस चैप्टर में आपको पता है, आपको स्पेशल रेट्स के बारे में आज के पहले कुछ नहीं पता था. नहीं, एक चीज पता थी. What? No indexation. In the cases of no indexation, 7 पॉइंट लिखे थे, उसमें से 2 थे एनआरआई स्पेशल रेट्स. एंड आई टोल्ड यू हमारे अगले ही 2 चैप्टर है. एनआरआई हो गया, स्पेशल रेट्स कर रहे हैं. व्हेनेवर देयर विल बी एलटीसीजी इन दिस चैप्टर, देयर विल बी
no indexation. And what a coincidence. In all those cases, can you guess long term capital gain ka tax rate, jo special rate idhar diya hai, wo kya diya hai? Sab jagah pe ek hi rate diya hai. 10% because it is without indexation. Samjha? To agar aap logically approach karoge, to aapko sab kuch apne aap se hi aa jayega. Next, every rate that is given here, section assessee income rate, सेक्शन असेसी इनकम रेट, चाहे वो 10 है कि 20 है कि कोई भी है, उसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एंड एचईसी तो ऑलवेज एप्लीकेबल. वॉट एवर रेट इज गिवन इज ऑलवेज गोइंग टू बी द बेसिक रेट ऑफ टैक्स. आई होप यू रिमेंबर एनआरआई में भी हमने 20 और 10 के हिसाब से जो भी किया था उसके अंदर हम लोग मित्रों उसके अंदर हम लोग सेस ऐड कर रहे थे. करेक्ट है, इधर भी आएगा. और सरचार्ज इफ द टोटल इज एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड. चलिए फैंटास्टिक. नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रेट्स है दे विल ऑल्सो अप्लाई इन न्यू रेजिम. ये जो रेट्स है दे विल ऑल्सो अप्लाई इन द न्यू रेजिम. और ये हम इंट्रोडक्शन के चैप्टर से करते आ रहे हैं. सेग्रीगेट योर इनकम इनटू नॉर्मल एंड स्पेशल. नॉर्मल के यू कैन चूज ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू. स्पेशल विल बी ऑलवेज टैक्स एट स्पेशल रेट्स. करेक्ट है. एंड लास्ट पॉइंट टू बी नोटेड, जिसके बाद हम हमारा एक्चुअल प्रोसेस जो है ना, कौन सा प्रोसेस, सेक्शन असेसी इनकम रेट, सेक्शन असेसी इनकम, वी कैन एक्चुअली स्टार्ट अवर प्रोसेस. एवरी सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोर्स. लास्ट पॉइंट, ज्यादातर केसेस इस चैप्टर में जो असेसी है ना, पता है स्पेसिफिक असेसी इज गिवन इन एवरी सेक्शन, वो नॉन रेजिडेंट है. मोस्ट असेसीज आर नॉन रेजिडेंट. टपली मार इसको, खींच के मार. ज्यादातर असेसी नॉन रेजिडेंट है. That means that assessee is liable to pay tax in India on the principle of source. क्योंकि residence तो नहीं है, अपने country में resident है, यहाँ पे क्या है, source. अब it is possible that he is resident of his own country. मतलब वहां पे भी tax लगेगा residence में और यहाँ पे तो हम लगा ही रहे source पे. This is going to trigger double taxation. ये juridical double taxation है. क्या इसमें relief मिलेगा? Yes. Is it possible के India का उस country के साथ DTAA है? Yes, वहां पे रेसिडेंस है, यहां पे सोर्स है, DTAA हो सकता है. विच टैक्स वी नॉर्मली पे, पहले नॉर्मल का आंसर दो. हम टैक्स भरते हैं एज पर इनकम टैक्स के एज पर ट्रीटी, विच एवर इज बेनिफिशियल. तो आई विश टू मेंटेन, अगर इस असेसी के केस में कोई DTAA है तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो. सर वाई वॉज अ नीड टू स्पेसिफाई दिस, वो तो हमको पता ही है सर. नहीं सुनो, चैप्टर चालू होके क्या बोला, स्पेशल रेट इज कंपलसरी 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 कंपलसरी. तो अपने माइंड में बायस हो जाएगा, सर यहाँ पे स्पेशल रेट 25% दिया है, DTAA में 12% है, लेकिन सर आपने तो बोला ना ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, ये नहीं. नहीं सुन, तो समझ समझ, इनकम टैक्स एक्ट में कोई और रेट्स दिया है, फाइनेंस एक्ट में कोई स्लैब्स दिया है, उसके कंपैरिजन में ये कंपलसरी है, बट DTAA इन सबसे बड़ा है. दीज रेट्स आर कंपलसरी When compared with normal income tax rates, slabs, उसके comparison में ये compulsory है. अगर DTAA है तो उसके सामने ये compulsory नहीं है. मैं क्या बोलता हूं, मस्त आइडिया देता हूं, सुनो. We have to pay tax as per act, यानी कि as per normal provisions के as per DTAA. हम कौन सा tax भरते हैं normally? As per normal provisions के as per DTAA, whichever is beneficial. Correct है? सुनो, ये इनके नॉर्मल रेट्स हैं और DTAA के साथ कंपेयर करो, विच एवर इज बेनिफिशियल. ये रेट इन कॉम्बोस का नॉर्मल इनकम टैक्स रेट, स्लैब के कंपैरिजन में स्पेशल है, लेकिन यही इनके नॉर्मल रेट्स हैं कंपेयर विथ DTAA एंड विच एवर इज बेनिफिशियल. मतलब भले हम चैप्टर चालू करके ढोल पीट रहे क्या कंपलसरी 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 कंपलसरी, इन कंपेरिजन विथ DTAA दे आर नॉट कंपलसरी. वहां पे हम लोग विच एवर इज बेनिफिशियल नहीं. Is this also clear to everyone?
लेडीज एंड जेंटलमैन, तो वी आर डूइंग अ चैप्टर कॉल्ड स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। कॉम्बो नहीं हुआ तो नॉर्मल, कॉम्बो हुआ तो नॉर्मल और स्पेशल, विच एवर इज बेनिफिशियल। नहीं, दैट इज इन एनआरआई, इन स्पेशल रेट इट इज गोइंग टू बी कंपल्सरी। और अपना काम इजी है क्योंकि अपने को एक ही कैलकुलेशन करना है एंड सब्जेक्ट टू दीज पॉइंट्स, क्योंकि स्पेशल रेट कंपल्सरी है। नो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, नो बेसिक एग्जेम्पशन, नो चैप्टर सिक्स से। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। दीज आर ऑल बेसिक रेट्स, सो सरचार्ज और सेस ऐड होएगा। DTAA का बेनिफिट इज अलाउड और न्यू रेजिम में भी ये रेट्स कंपलसरी है। फ्रॉम ईयर ऑनवर्ड्स अवर चैप्टर कम्स डाउन टू अ प्रोसेस ऑफ फोर स्टेप्स। क्या? सेक्शन असेसी इनकम रेट, सेक्शन असेसी इनकम रेट। हर सेक्शन अलग है, इंडिपेंडेंट, और हर एक में एक कॉम्बो दिया। स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ नॉट जस्ट दिस चैप्टर, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर एंटायर सिलेबस। इंटरनेशनल टैक्स इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस इवन इन द न्यू रेजिम, न्यू सिलेबस मतलब। और उस पूरे इंटरनेशनल टैक्स में अगर मैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स डिसाइड करना चालू करूं, ट्रांसफर प्राइसिंग लिखू, DTAA लिखू, उसके साथ में ये सेक्शन लिखूंगा। सबसे ज्यादा एग्जाम के क्वेश्चंस ऑन टैक्स कैलकुलेशन, ऑन TDS का प्रोविजंस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आ, जगह जगह पे चैप्टर आफ्टर चैप्टर दिस प्रोविजन विल कीप ऑन कमिंग। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ योर एंटायर सिलेबस। और इस चैप्टर का सबसे बड़ा सेक्शन भी यही है। आज के लेक्चर में जितना भी टाइम बचा हुआ है, भले 40 मिनट 50 मिनट जितना भी बचा हुआ है, उतने में भी दिस सेक्शन विल नॉट गेट ओवर, वेरी बिग, विद द ओनली गुड न्यूज बीइंग बाकी का चैप्टर मिला के टोटली इतना टाइम नहीं लेगा जितना ये लेगा। पहले तो पूरा चैप्टर टोटल मिला के इससे छोटा था। Now, with 115 BBG के बाद में H आया, I आया, J आया, सेक्शन बढ़ाते गए तो अदर साइड ऑफ द चैप्टर बढ़ रहा है, तो अभी पार हो गया 115A एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर सेम साइज। दिस इज सो बिग एंड एट द सेम टाइम सो इंपॉर्टेंट। अगर आई स्टिक टू द पॉलिसी कि जो चालू किया है 9:50 के पहले वो खत्म करके छोड़ो, तो वो करने को 10:15, 10:30 भी बच सकता है। सो टुडे वी कैनॉट ऑफकोर्स अडॉप्ट द पॉलिसी। हम एक एक इनकम बाय इनकम करेंगे, जिस इनकम के ऊपर भी कंप्लीट उस इनकम के आगे वी विल कंटिन्यू ऑब्वियसली इन टुमारोज लेक्चर। बट लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपको हर एक सेक्शन में चार स्टेप देखना है। सेक्शन असेसी इनकम रेट, सेक्शन क्या है, इस चैप्टर में आपको सेक्शन नंबर लर्न करना है, सेक्शन नंबर 115A। द मोमेंट वी फिनिश सेक्शन नंबर, वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप, असेसी। इस सेक्शन में असेसी इज नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट किसी भी असेसी के सामने लिखना मतलब यू आर लर्निंग इंटरनेशनल टैक्स। अगर किसी भी असेसी के माथे पे स्टैंप लग गया ना नॉन रेसिडेंट, मतलब यू आर लर्निंग इंटरनेशनल टैक्स। एवरी प्रोविजन ऑफ नॉन रेसिडेंट इज अ प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल टैक्स। इंटरनेशनल टैक्स के सिलेबस में एक टॉपिक है एनआर टैक्स, एनआरआई टैक्स नहीं, एनआर टैक्स, टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट्स। इनकम टैक्स के पहले सेक्शन से लास्ट सेक्शन तक नॉन रेसिडेंट के बारे में कुछ भी लिखा है या दिखा है, एवरीथिंग इज कैप्ट इन दैट चैप्टर इन द मॉड्यूल। मतलब आपका पूरा का पूरा एनआरआई वो उसका है, उसके अंदर है, बट एनआरआई इज अ स्मॉल पार्ट। ये भी नॉन रेसिडेंट का सेक्शन है। इस चैप्टर में बहुत सारे सेक्शंस नॉन रेसिडेंट के लिए बने, तो सब उस मॉड्यूल के उस चैप्टर में। रुको, आगे बोलता हूं। TDS का चैप्टर है जिसके अंदर नॉन रेसिडेंट्स का TDS का डेटा दिया हमको। TDS और नॉन रेसिडेंट्स, आर दिस सेक्शन स्पेसिफिकली रिलेटेड टू नॉन रेसिडेंट्स, वो सब उस एनआर टैक्स का पार्ट है। ऑफकोर्स हम तो TDS में करेंगे, हमारा टॉपिक वाइज जो ब्रेकअप है वो थोड़ा अलग है, हम टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। बिजनेस एंड प्रोफेशन में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रिसम्प्टिव टैक्सेशन। 44AD एडा अपने लोगों के लिए, रेसिडेंट्स के लिए, AD बिजनेस, एडा प्रोफेशनल्स, ADA 44AD एडा इज
नॉन रेसिडेंट्स के लिए देयर इज प्रिसम्प्टिव टैक्सेशन 44B डबल बी ट्रिपल बी बीबीए। हम किस में पढ़ेंगे? बिकॉज इट इज प्रिसम्प्टिव टैक्सेशन ऑफ पीजीबीपी, हम पीजीबीपी में पढ़ेंगे। इंस्टीट्यूट ने उसको एनआर टैक्स के मॉड्यूल में डाला है क्योंकि नॉन रेसिडेंट का सेक्शन। इंस्टीट्यूट तो एक लेवल और आगे निकल गया, एनी इनकम टैक्स प्रोविजन विच इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट बोथ। समझ लो इंडिया में कोई प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों को टैक्स भरना है ना। तो इंस्टीट्यूट ने वो एनआर टैक्स के चैप्टर में ये भी लिखा है कि नॉन रेजिडेंट हैविंग प्रॉपर्टी इन इंडिया इज लायबल टू टेक पे टैक्स ऑन रेंट, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का भी उतना पार्ट डाल दिया। तो हम तो हाउस प्रॉपर्टी वैसे भी कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट हैज ड्राफ्टेड इट इन अ वेरी वेरी पुअर मैनर। उसको जो प्रोविजन जिस चैप्टर को पर्टेन करता है उसको उधर ही रखना चाहिए, पर उन्होंने क्या किया, सब जगह से उठा उठा के एक जगह पे पूरा एनआर टैक्स लिया, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्स। इफेक्टिवली आप समझ लो हम एक जगह पे नहीं, अलग अलग जगह मिला के, चाहे थोड़ा ट्रांसफर प्राइसिंग में हो, थोड़ा टीडीएस में हो, थोड़ा पीजीबीपी में हो, थोड़ा एनआरआई में हो, थोड़ा स्पेशल रेट में हो, वी आर गोइंग टू लर्न नॉन रेजिडेंट का टैक्स प्रोविजन एट मल्टीपल प्लेसेस इन अवर सिलेबस। वो आपका इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट, नॉन रेजिडेंट चिपकते यू आर लर्निंग इंटरनेशनल टैक्स। सेक्शन 115A assessee, you can be a non-resident or you can also be a foreign company, non-resident or foreign company, this section is applicable, ऐसा लिखा है law में। अगर आपको legally क्या लिखा है जानने में interest है तो non-resident not being a company or a foreign company, मतलब individual issue firm LLP AOP BOI का हम क्या check करेंगे, नॉन रेसिडेंट, और कंपनी के लिए हम क्या चेक करेंगे, फॉरेन कंपनी, विच ऑल्सो इट इज अज्यूम्ड के विल बी नॉन रेसिडेंट ओनली, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी में ऐसा लिखा है दैट इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी विल बी रेसिडेंट अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होता है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है जहां पे आपने आपके बड़े बड़े डिसीजन लिए। ना बहुत कंट्रोवर्सी होता था प्रैक्टिकल लाइफ में, हाउ टू डिफाइन के बड़ा डिसीजन क्या होता है, छोटा डिसीजन क्या होता है। मैं तो मेरे घर की बात करता हूं, मेरे घर में जितने भी बड़े बड़े डिसीजन है मैं ही लेता हूं, ऑल मेजर डिसीजंस आई ओनली टेक। छोटे मोटे डिसीजन होते हैं ना कि बच्चा कौन सी स्कूल में जाएगा, कौन सा ट्यूशन बच्चे के लिए करवाना है, कैसे बच्चे का फ्यूचर प्लान करना है, कहां पे अपना इनकम खर्चा करना है, कहां पे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, ये सब छोटे मोटे डिसीजन शी टेक्स। बाकी मेन जो मेरे घर के डिसीजन है, who will be prime minister of India, who will be president of India, who should be captain of Indian cricket team, ये सब main decision मैं ही लेता हूँ मेरे घर में, main सब decision मैं ही लेता हूँ। How to define what is an important decision? Effective management, बहुत controversy होता था, company बोलता था नहीं हमारा तो बाहर है, assessing officer बोलता है नहीं तुम्हारा POEM, place of effective management इंडिया में है, you understand? बहुत झगड़ा होता था, फिर एक दिन CBDT ने एक circular निकाला, CBDT is an organization which can be called as papa of income tax department. अगर आने वाले समय में मैं आपसे डिस्कस करूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पप्पा अचन अब्बा पॉप्स डैडी अब्बा जो भी अब्बू जो भी आपको जमता है वो कौन है, इनकम टैक्स के बाप का नाम CBDT, टाइम विल टेल व्हाई। ओके, तो CBDT ने एक सर्कुलर निकाला, बोला ये फॉलोइंग आर द बेंचमार्क क्राइटेरिया, अगर आपके ग्लोबली जितने एम्प्लॉइज है उसका इतना परसेंट इंडिया में है, अगर आपका ग्लोबल टर्नओवर का इतना परसेंट इंडिया में है, ये सब में अगर आपका ग्लोबल में जो भी है उसका इतना परसेंटेज अगर इंडिया में निकला तो इट विल बी अज्यूम दैट योर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया, और आपकी फॉरेन कंपनी को रेजिडेंट माना जाएगा। नाउ दैट ऑल द कंपनीज नो अबाउट द सर्कुलर, दे मेक श्योर दैट दे डिससैटिस्फाइड। आप समझे, पोएम के सर्कुलर के ऊपर भी नेवर एक्सपेक्ट क्वेश्चंस। तो आप सर्कुलर चाहो तो वो मॉड्यूल में से एक बार एनआर टैक्सेशन के अंदर मिलेगा, वहां से रीड कर सकते हो, लेकिन द गुड पार्ट इज दैट अपना जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर पोएम के ऊपर जो क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो देयर, जो उन्होंने वहां पे दिया है। तो अगर आप वो खाली सर्कुलर रीड करके गो थ्रू करोगे एडिशनल क्वेश्चन बैंक में, दैट विल टेक केयर ऑफ इट। खाली इट्स अ क्राइटेरिया के टोटल में से इतना इंडिया में होना चाहिए, ओनली टू डिसाइड के फॉरेन कंपनी रेसिडेंट बनेगा कि नॉन रेसिडेंट, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, थियोरेटिकली आप कुछ भी बोल दो, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस फॉरेन कंपनीज विल एंश्योर दैट दे बिकम नॉन रेसिडेंट, सो दैट उनका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो। तो अगर आप इतना डिटेल में लिखे भी ना, प्रैक्टिकल लाइफ में खाली नॉन रेसिडेंट बन के भी पढ़ लोगे तो भी चलेगा, इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। हाँ, लेकिन थियोरेटिकली उन्होंने क्या लिखा है, नॉन रेसिडेंट एक्सक्लूडिंग कंपनी, एंड कंपनी में हम क्या चेक करेंगे, फॉरेन कंपनी। सो सेक्शन 115A असेसी नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 इनकम सर्टिफिकेट।
सात इनकम दिए और हर एक इनकम का इसका रेट, इसका रेट, इसका रेट, इसका रेट, इसका रेट, इसका रेट, मींस विद इन द सेक्शन 115 ए देयर आर सो मेनी कॉम्बोस जिसमें असेसी सब में कॉमन है, इनकम सब में बदलती जा रही है और क्योंकि इनकम बदलती जा रही है तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली हमको क्या पढ़ना है, ये इनकम हुआ तो ये रेट लगेगा। लेकिन लेट मी सी इफ यू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग थिंग्स, नॉन रेसिडेंट को इनके अलावा कोई और इनकम हुआ, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो वेल देयर बी टैक्स कितना नॉर्मल रेट। रेसिडेंट को अगर ये वाली इनकम हुई नॉर्मल रेट, सो डू वी नो दैट कॉम्बो नहीं हुआ तो नॉर्मल रेट, ये आपने उसी का आंसर दिया। और अगर नॉन रेसिडेंट को ही ये वाली इनकम हो गई तो इस बार कॉम्बो हो गया, दीज रेट्स विल अप्लाई और नॉर्मल में जाने का ऑप्शन नहीं है, दिस टाइम द स्पेशल रेट इज कंपल्सरी। हाँ पर इसके अंदर हमको सरचार्ज और सेस ऐड करना है, ये न्यू रेजिम में भी कंपल्सरी है। और अगर डीटी डबल ए दिया है ना, अंडरस्टैंड ये नॉन रेसिडेंट है तो इसकी कंट्री के साथ ट्रीटी हो सकती है, उस ट्रीटी में अगर इससे कम रेट दिया तो द असेसी कैन ऑलवेज गो, ट्रीटी के सामने ये कंपल्सरी नहीं होगा, नॉर्मल रेट्स के सामने कंपल्सरी होगा। यू अंडरस्टूड दिस होल प्रोसेस? तो बस अभी हमको एक एक करके क्या करना है, व्हाट आर दी इनकम्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली एक एक के सामने व्हाट आर द रेट्स। अगर आपको अर्न हो रहा है डिविडेंड इनकम, इनकम इन द नेचर ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इफ यू आर अर्निंग इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कहां से अर्न हो रहा है? इफ यू आर अर्निंग डिविडेंड फ्रॉम समथिंग कॉल्ड अ बिजनेस ट्रस्ट, वी हैव कम अक्रॉस द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट मार्जिनली। क्या बिजनेस ट्रस्ट के जो यूनिट्स होते हैं वो भी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होते हैं और 111A 112A में कवर होते हैं जब भी बेचे तो, बट वी हैव नॉट एक्चुअली स्टडीड द चैप्टर बिजनेस ट्रस्ट, वो चैप्टर नंबर 8 है और सच बोलू 5 थोड़ा सा बड़ा है, 4 वॉज बड़ा बिकॉज ऑफ कैपिटल गेन एंड रेजिडेंशियल स्टेटस, 5 में 115A बड़ा है, अगर 115A हमारा हो जाता है तो रेस्ट ऑफ द चैप्टर इज वेरी स्मॉल। एंड 6 चैप्टर 6 चैप्टर 7 इन अवर टेक्स्ट बुक तो इतने छोटे छोटे है कि एक लेक्चर में दोनों हो जाएंगे। यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर 43 चैप्टर्स इन 70 लेक्चर्स, लेकिन उसमें कई बार ऐसा होगा कि एक चैप्टर 5 लेक्चर 6 लेक्चर असेसमेंट प्रोसीजर टीडीएस है तो 6 6 7 7 लेक्चर चलने वाले हैं, तो फिर बाकी के चैप्टर नहीं, कई बार ऐसा भी होगा कि एक ही लेक्चर में 3 चैप्टर खत्म हो गए। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट ऐसे चैप्टर है, अपनी बुक में है चैप्टर नंबर 13 एंड 14। अगर सपोजिंगली कि मैंने लेक्चर स्टार्ट किया और स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ही मैं पॉलिटिकल पार्टी का चैप्टर कर रहा हूं या इलेक्टोरल ट्रस्ट कर रहा हूं तो आर्यन का तो पक्का मिस होएगा, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, वो क्लास आएगा तब तो। तू हंस मत, तेरा भी, तेरा नाम क्या है? घनश्याम। हाँ तेरा भी मिस होएगा। हाँ बोल रहे हैं, हाँ सर पक्का है उसको, देखो पता भी है क्यों, क्योंकि जब तक तू क्लास पहुंचेगा ना, जब तक तुम दोनों क्लास पहुंचोगे ना, तुम लोग रास्ते में नक्की करके आते हो ना कि हम लोग को आज थोड़ा सा आराम से जाते चल नहीं, और ये तो इतना चंट है, इतना चालू है ना ये। हाँ तू घनश्याम, मैं लास्ट लेक्चर में घर पे जा रहा था, मतलब घर पे इन द सेंस दैट आपका लेक्चर खत्म हो गया, आई वेट फॉर द इंटर वाला लेक्चर, तो मेरे को जाते जाते रोक के पूछता है सर आप तो गाड़ी से आते हो ना सर, मतलब बेसिकली ताना ये मार रहा है कि आप टाइम पे आते हो तो कोई महान काम नहीं करते हो, क्योंकि ऐसा मतलब एंग्जाइटी में पूछता है सर आप तो गाड़ी में आते हो ना। हाँ मतलब वो ताना मार रहा है, सर हमारे उधर तो बस नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, सब मिलता है तो लेट हो जाता है, स्टाइल से ताना मार रहा था। नहीं नहीं इट्स ऑल, मेरे को कौन सा फर्क पड़ेगा, तो ताना मार भी देगा, मार भी लेते। तो देर आर सम चैप्टर्स विच आर रियली वेरी वेरी स्मॉल ऑल्सो, सो बिजनेस ट्रस्ट बहुत जल्द होगा मोस्ट लाइकली बिकॉज वी आर ओनली ऑन अ ट्यूजडे टूडे, तो आई अश्योर यू के इसी वीक के अंदर होगा बिजनेस ट्रस्ट, बिकॉज 6 and 7 आर वेरी स्मॉल चैप्टर्स एंड 8 इज बिजनेस ट्रस्ट। ओके तो वो जो बिजनेस ट्रस्ट है जिसके आपने यूनिट्स खरीदे, वन फाइन डे फ्रॉम दैट बिजनेस ट्रस्ट यू कैन अर्न इनकम फ्रॉम डिविडेंड एज अ यूनिट होल्डर। देखो जैसे कंपनी शेयर्स पे देती है वैसे ही कोई भी म्यूचुअल फंड आपको यूनिट्स पे देगा,
तो आपने इस बार यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया, सो नॉन रेसिडेंट इज अर्निंग डिविडेंड फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट, या इसके साथ साथ इस साल अब एक और इनकम एड होती है विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25, व्हेन एवर दिस लाल लाल खून का कलर इज यूज, मतलब अमेंडमेंट, या आपको डिविडेंड मिल रहा है फ्रॉम IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर भगवान की दया से या मे बी किसी और की दया से, एटलीस्ट हमको IFSC का मीनिंग मालूम है, अ स्पेशल स्टॉक एक्सचेंज जो फिजिकली इन इंडिया, बट यू हैव टू इमेजिन कि ये इंडिया में नहीं है और उसको बहुत सारे टैक्स प्रोविजन से इम्यूनिटी ग्रांट किया गया। वी स्टार्टेड विथ इंट्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर के न्यू रेजिम में चैप्टर 6 से नहीं मिलता है, लेकिन IFSC को 80LA मिलेगा, पहली बार वहां पे एनकाउंटर हुआ था। फिर हमने NRI के चैप्टर में जब कैपिटल गेन किया तो नॉर्मली STT लगता है, लेकिन IFSC पे STT नहीं लगेगा, फिर भी 111A 112A मिलेगा। वेल, वन मोर बेनिफिट दैट इस डिविडेंड के ऊपर द रेट ऑफ टैक्स विल बी 10%, बिकॉज इफ द नॉन रेसिडेंट इज अर्निंग एनी अदर डिविडेंड अदर देन बिजनेस ट्रस्ट और IFSC, तो उसके ऊपर 20% लगेगा। मतलब सुनो, लास्ट ईयर तक हम नॉन रेसिडेंट की डिविडेंड इनकम को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, बिजनेस ट्रस्ट एंड अदर्स, बिजनेस ट्रस्ट एंड अदर्स। बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिला तो 10% एंड अदर्स मिला तो 20। नाउ इट विल बी बिजनेस ट्रस्ट एंड IFSC एंड अदर्स, बिजनेस ट्रस्ट और IFSC दोनों के ऊपर 10 लगेगा और अदर के ऊपर 20। ऑन बिजनेस ट्रस्ट एंड IFSC इट इज गोइंग टू बी, मित्रों बिजनेस ट्रस्ट एंड IFSC इट इज गोइंग टू बी 10। तो डू यू अंडरस्टैंड, IFSC जो 20 होता था अब वो 10 हो गया। यू अंडरस्टैंड द इंसेंटिव दैट दे हैव गिवन हियर बाय ब्रिंगिंग एन अमेंडमेंट। मतलब अगर इंडिया में नॉन रेसिडेंट को रिलायंस टाटा बिरला अंबानी अडानी कोई भी कंपनी से डिविडेंड मिला 20। अरे आपके अंदर ये अक्कल है समझने का कि वेदर दिस डिविडेंड और दिस डिविडेंड इट हैज टू अराइज इन इंडिया, और फॉर दैट मैटर एनी इनकम दैट आई राइट विथ यू हियर टूडे, the income has to arise in India। मानते हो इस बात को? नहीं, ये जो भी इनकम यहां पे लिखूंगा ABCDEFG जो भी लिखू वो इनकम इंडियन इनकम होगी तो ही ये रेट लगेगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबली देर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। इंटरनेशनल टैक्स कर रहे हो ना तो ये बोलना ही पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ रेसिडेंस, प्रिंसिपल ऑफ सोर्स। रेसिडेंस तो है नहीं, कोई समर थिंकिंग फॉर हाउ, क्यों नहीं है रेसिडेंस? नॉन रेसिडेंट, तो फिर टैक्स लगाने का एक ही रास्ता है, तो ये इंडिया में होनी चाहिए। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो बैरक ओबामा को एप्पल इनकॉर्पोरेशन से डिविडेंड मिला, जस्ट स्वैग देख, बैरक ओबामा रिटायर हो गया, अभी खेती बाड़ी करता है, एप्पल में शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उसको वहां से डिविडेंड मिला, इज ही नॉन रेसिडेंट? यस। इज ही अर्निंग डिविडेंड? आप उसको जाके बोलो सर कॉम्बो कॉम्बो 20 कंपल्सरी इंडिया में, अरे ओबामा तो भर भी देगा, ट्रंप होएगा तो बॉम्ब फोड़ के जाएगा, और अच्छा है नॉर्थ कोरिया वाले को तो बोलना भी नहीं। सो डू यू अंडरस्टैंड द इनकम हैज टू अराइज इन इंडिया, अदरवाइज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन। तो एक नॉन रेसिडेंट को इंडिया में डिविडेंड जो मिल रहा है हम उसको अब दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, बिजनेस ट्रस्ट और IFSC के ऊपर 10 एंड एवरी अदर डिविडेंड। इनफैक्ट अगर आपको ये अलग से भी बोलने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको डिविडेंड फ्रॉम एनी म्यूचुअल फंड मिल रहा है तो दैट विल ऑल्सो गो इन। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या ना इसे हम कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स का सबके ऊपर मर्ज करके भी बोल सकते हैं, एनी कंपनी एंड म्यूचुअल फंड व्हाट इज इनकम टैक्स रेट 20, खाली IFSC और बिजनेस ट्रस्ट से जो डिविडेंड मिल रहा है उसके ऊपर 10%। अगर बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड रेसिडेंट को मिला तो नॉर्मल रेट्स, क्योंकि कॉम्बो नहीं हुआ है, अंडरस्टूड? इनके अलावा कोई और इनकम नॉन रेसिडेंट को हुई तो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। लेकिन अगर ये वाला कॉम्बो हो गया तो ये वाला रेट कंपलसरी है, इस बार नॉर्मल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। दैट इज द फंडा ऑफ द चैप्टर दैट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड सिंस आई हैव स्टार्टेड द चैप्टर। शैल वी गो अहेड नेक्स्ट, इंटरेस्ट इनकम ऑन अ फॉरेन करेंसी लोन, नॉन रेसिडेंट अर्निंग इंटरेस्ट ऑन अ फॉरेन करेंसी लोन, उसके ऊपर भी हम टैक्स लेंगे एट द रेट ऑफ 20।
नॉन रेसिडेंट अर्निंग इंटरेस्ट ऑन अ फॉरेन करेंसी लोन वी आर गोइंग टू अप्लाई टैक्स ऑफ 20%। पहले समझ लीजिए कि इनकम क्या अराइज हो रही है। एक नॉन रेसिडेंट है जो इंडिया में पैसा लेके आया, डू यू अंडरस्टैंड, और इंडिया में इस नॉन रेसिडेंट ने किसी को लोन दिया है, ही हैज गिवन लोन टू समवन इन इंडिया। तो जिसको इंडिया में लोन दिया है क्या वो इसको इंटरेस्ट पे करेगा? मेहरबानी कर रहा है? नहीं। यू आर यूजिंग समवन्स फंड्स, यू हैव टू कॉम्पेंसेट बाय पेइंग इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट के ऊपर वी आर सब्जेक्टिंग दिस नॉन रेसिडेंट टू इनकम टैक्स रेट ऑफ 20%। आप समझ रहे हो? मतलब आई एम अ नॉन रेसिडेंट, आई कम टू इंडिया विथ माई मनी एंड आई ऑफर यू फंड्स, यू वॉन्ट फंड्स, यू विल हैव टू पे मी इंटरेस्ट 10% पर एनम। कोई कोई बच्चा तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, सर सर आप 10 बोल रहे हो, 20 लिखा है। वही गधेड़ा, 10% पर एनम इज द इंटरेस्ट रेट दैट वी विल म्यूचुअली डिसाइड। 20 क्या है? टैक्स रेट, इंटरेस्ट इनकम के ऊपर 20 लगेगा। सो यू विल पे मी 10% पर एनम। मैंने आपको 10 लाख रुपए का लोन दिया, फॉरेक्स में दूंगा, आई एम टेकिंग इन इक्विवेलेंट इंडियन रुपीस, तो बदले में आप मेरे को कितने का इंटरेस्ट दोगे? 1 लाख। 10 लाख के ऊपर 10% पर एनम तो 1 लाख। उस 1 लाख पे मेरे ऊपर टैक्स लगेगा 20, प्लस सेस भी लगेगा 4%, तो 20,800 हो गया। और अभी अभी आज जो एनआरआई में हमने देखा था कि नॉन रेसिडेंट को अगर पे कर रहे हो तो उसका टीडीएस आपको काटना है। तो जब 1 लाख का इंटरेस्ट देने की बारी आई थी, एक्चुअली ये 1 लाख देगा ही नहीं, ही विल गिव मी 20,800 काट के 79,200, आप चेक कर सकते। सो वैसे नॉन रेसिडेंट को क्या लग रहा था? 10% आई एम अर्निंग ऑन माई इन्वेस्टमेंट, लेकिन टैक्स काट के तो 7.92 ही बचा। You understand after tax returns? तो understand the situation practically. मैंने आपको आके 10 लाख रुपए का लोन देके मदद किया, नॉन रेसिडेंट हूं ना, मदद किया। तुम साला गरीब लोग हमारे जूती के नीचे रहेगा, you don't have money, you take money, I'll give you money. बदले में you are giving me 10% per annum. मतलब जब 1 साल complete होता है तो मैं expect करता हूं कि आप मेरे को 1 लाख रुपए का चेक दोगे, बिकॉज हमारी बात वो ही है ना, 1 लाख का चेक दोगे 10% पर एनम, 10 लाख का 10%, 1 लाख आप दोगे। आज 1 साल कंप्लीट हुआ, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। एक तो मैं मारवाड़ी हूं ना, इंटरेस्ट इज नॉट IFOS, इट इज PGBP, तो मैं बहुत एक्साइटमेंट में वेट कर रहा हूं कि आज मुझे 1 लाख रुपया मिले। मैं नाश्ता पानी भी अरेंज करके रखा इसके लिए। यह आया चेक लेके आया एनवलप के अंदर, बोला लीजिए लीजिए नाश्ता लीजिए, सर आपका इंटरेस्ट का चेक। अरे ये तो होता रहेगा, होता रहेगा, ये तो होता है, पहले जेब में डाल के बोला ये तो होता रहेगा। ओके, फिर ये नाश्ता कर रहा है, मैं बोला एक बार चेक खोल के तो देख लेता हूं। जैसे ही मैंने चेक का अमाउंट देखा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 1 लाख, उस पर लिखा है 79,200। वो एकता कपूर का सीरियल होता है ना, वो चेक ऐसा राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे, नहीं नहीं नहीं, बात कितने का हुआ था? 1 लाख 10% पर है ना, तू देता कितना है? 79,200। ये चेक के साथ में वही करेगा जो तेरे पूरे कॉलेज लाइफ में तेरे लेटर्स के साथ हुआ है, फाड़ के तेरे मुंह पे फेंकेगा। वही हुआ है ना, #CA student forever single, वही हुआ है ना। तो सुनो सुनो, Why is he giving me less than what we agreed on? क्योंकि टैक्स लगता है इंडिया में, एंड एज अ पेयर इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट TDS। चल एज अ रेसिपिएंट आई अंडरस्टैंड कि एनी कंट्री विल लेवी इनकम टैक्स, बट 20% हद है यार, मतलब देयर इज अ लिमिट नो, याद है कि नहीं? स्टे विद इन योर लिमिट्स, याद आया? वो रील काट के मैंने शॉर्ट्स में यूट्यूब में डाल भी दिया, स्टे विद इन योर लिमिट्स, तेरा वाला ही था जो यूट्यूब पे डाला है ना। वैसे हर बैच में किसी ना किसी के साथ जब पहली बार कराता हूं ना वो प्रोविजन स्टे विद इन योर लिमिट्स, तो किसी ना किसी को तो ऐसे डराता ही हूं, डरता पूरा क्लास है, हंसता एक के ऊपर है, डरता पूरा क्लास है। तो इस बार जो वीडियो काट के डाला वो तेरा वाला ही था। ही इज लाइक के सर पर वीडियो में मेरा नाम तो नहीं लिया ना, तो मैं फेमस कैसे होएगा? कोई बात नहीं, अगली बार तो ऐसा कोई काम करना कि तेरा नाम भी लेना। प्लीज अंडरस्टैंड, एनी कंट्री विल लेवी इनकम टैक्स, नो प्रॉब्लम,
बट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए 20% इज अ वेरी वेरी हाई रेट ऑफ टैक्स। एक तो तुम साला गरीब, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा देके मदद कर रहा है। थिंक अबाउट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नॉन रेसिडेंट लेंडर, वो पैसा देके मदद किया, तुम उसको इंटरेस्ट देके कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है, और उसको इंटरेस्ट देगा और उसके ऊपर तुम 20% टैक्स लगाएगा तो वो तुम्हारे कंट्री में किसी को लोन देगा ही नहीं। थिंक अबाउट इट, ये इंडिया में, ये पाकिस्तान में, मैं इसको भी 10 लाख का लोन देने के लिए रेडी हूं, मैं इसको भी 10 लाख का लोन देने के लिए रेडी हूं, ये दोनों मेरे को 10-10% पर एनम इंटरेस्ट भी देने के लिए रेडी है। कैन आई से आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइस? बोथ ऑफ देम आर गिविंग सेम इंटरेस्ट, मतलब इधर से भी 1 लाख कमाऊंगा, इधर से भी 1 लाख कमाऊंगा। अब ये 1 लाख जो इंडिया वाला 1 लाख है, प्लीज अंडरस्टैंड एवरीवन, आप लोग भी, जो इंडिया वाला 1 लाख है उसमें इंडिया की गवर्नमेंट मेरे से 20% टैक्स ले रही है, लेकिन ये जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है इसने क्या बोला, ये भिखारी देश बैठा है ना, ये तो वेट कर रहा है कि कोई तो पैसा दे। ओके, ये बोलती है मैं टैक्स ही नहीं लगाएगी, बोलते 1% टैक्स प्लीज गिव। तो डू यू अंडरस्टैंड, भले मैं कमा रहा हूं दोनों जगह से 1-1 लाख, लेकिन ये वाले 1 लाख पे आई हैव टू पे 20% टैक्स, और ये वाले 1 लाख पे आई हैव टू पे 1% टैक्स, तो टैक्स काटने के बाद में जो बचता है वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ना। तब तो मैं पाकिस्तान वाले से दोस्ती करूंगा, वी विल टुगेदर हैव अ ब्लास्ट, पन इंटेंडेड। नहीं, नहीं समझा? हाँ, तो यू अंडरस्टैंड, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का भी तो ध्यान देना है ना, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये रेट बहुत ज्यादा है। तो व्हाट अवर गवर्नमेंट डिड ओवर द इयर्स, यहां पे एक्सेप्शन डाल दी गई, ये वाले केस में 5%, ये वाले केस में 5%, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 सिचुएशन क्रिएट करके 5%, 5%, मतलब नॉर्मली नॉन रेसिडेंट इंडिया में कितना, अगर इंटरेस्ट अर्न करेगा तो कितना टैक्स भरेगा, 20, अपने दोस्त को दिया तो कितना टैक्स भरेगा, 20 भरेगा, लेकिन ये सब स्पेशल सिचुएशन है, ये सब स्पेशल सिचुएशन में गवर्नमेंट रिड्यूस टू 5, मतलब इतना सिंप्लीफिकेशन तो था कि नॉर्मली 20 और ये स्पेशल सिचुएशंस में 5, बस खाली सिचुएशंस गवर्नमेंट एक एक करके ऐड करती है, नो प्रॉब्लम। फिर एक दिन आंटी आई, आंटी ने यहां पे एक 4% का भी कैटेगरी बनाया, ठीक है, इस साल अमेंडमेंट लाया और क्या बोला कि 30 जून तक तो ये 4% ही रहेगा, 1 जुलाई से ये 9% हो जाएगा, और जो पहले से यहां पे पहले के फाइनेंस मिनिस्टरों ने लिखे उसमें से सम आई वांट टू डिलीट, तो हम लोग सोचा चल ठीक है, ये इसने ये यहां पे ऐड करते जा रही है, कम से कम यहां पे कम उतना क्वांटिटी कम होता है, शी डिलीटेड, एक रखा बाकी के सब डिलीट कर दिए फ्रॉम 1 जुलाई 2020, मतलब ये जो पहला वाला 5% है ये आपको पूरे साल लगे, ये जो अगले 2-3 है अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच इज रेंजिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, तो ये 5% आपको लगाना है, क्योंकि ये कब से डिलीट हो रहा है, 1 जुलाई से। हाँ ऑफकोर्स आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर उन्होंने वापस 2024 में कीड़ा कांडी नहीं किया तो अगले साल के बच्चों को खाली पहला वाला लाइन कराना रहेगा बिकॉज द अदर्स आर डिलीटेड, बट एज ऑफ नाउ जब जब अमेंडमेंट साल के बीच में आता है तब तब ICAI ने उसकी इफेक्टिव डेट को भी टेस्ट किया, दे विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन दीज प्रोविजंस, इनकम अर्नड ऑन 1 अप्रैल तो 5% लिखना पड़ेगा, बट इनकम अर्नड ऑन 1 जुलाई 5 इज नॉट एप्लीकेबल, ये 20 में मर्ज हो जाएंगे, एक्सेप्शंस निकल रहे हैं, सो इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू टेस्ट यू ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ द अमेंडमेंट ऑल्सो, मतलब देर इज वन एक्सेप्शन जो 5% में आता है पूरा साल रहेगा, कुछ 3 ऐसे एक्सेप्शन है जो 5% में आएंगे बट 30 जून तक है, 1 जुलाई से वो 20 में चले जाएंगे। फिर आंटी का कुछ एक ऐसा चीज है जो स्टार्टिंग में लाई थी, पहले एग्जाम रखा फिर 4% किया अब 9% किया, वो भी है। फिर आंटी ने और एक एक्सेप्शन डाला है कि ये वाला केस इसमें से किसी में नहीं आएगा, इसमें फुल्ली एग्जाम रहेगा। नहीं, मेरे को पढ़ाना है आपको पढ़ना है, अब आप मन में जो आप बोल रहे हो वो तो मैं रोज बोलता हूं, कभी कभी तो ओपनली भी बोल देता हूं, दोस्तों के साथ होता हूं तो क्लास में एज अ टीचर बस वो नहीं बोल सकता हूँ, जो आपने सोचा वही मैंने भी सोचा है, बस वी हैव गॉट नो चॉइस बट टू स्टडी देम वन बाय वन, द ओनली कंफर्टिंग फैक्टर बीइंग आर वी अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। सर लॉजिक किस चीज का, लॉजिक किस चीज का, जो 20 दिया है उस 20 में से हम निकाल निकाल के एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, सो नो वेयर एम आई ट्राइंग टू से 20 डिलीट हो गया, 20 अभी भी है, उल्टा इस बार तो 5%, आज मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, आज मैंने बोला गले का ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है तो हर एक घंटे से कुछ देना, तो जो रोज वाली चाय आती है वो भी नहीं आई, बोला बहुत डिमांडिंग हो गया यार,
आज मेरे को लगता है भूल भूल गए लगता है, रोज वाली भी भूल गए। छोड़ना अभी बैल के, अभी 15 मिनट बाकी है लेक्चर, शांति से बैठ के बिल्कुल लेट अस फोकस। तुम तो सही है कि बैल बजाओ, बाहर से किसी को बुलाओ, चाय ऑर्डर करो, थोड़ा डिस्ट्रेक्शन होए, 5 मिनट वेस्ट होए, उतना तो शांति मिले लाइफ में। 20% का टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम इज नॉट टू बी डिलीटेड फर्स्ट ऑफ ऑल। बस इस 20 में से क्या क्या निकल निकल के एक्सेप्शन बन रहे हैं, एक एक करके वी हैव टू सी दैट व्हाट आर द एक्सेप्शन। अगर आपको मिलता है इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड तो उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड इज गोइंग टू फॉल इन द रेट ऑफ 5%। और ये पूरा साल रहेगा, मतलब वैसे लास्ट ईयर तक 5% में और 4 पॉइंट है, और बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर योर एग्जाम ईयर 1 अप्रैल से भी ये वाले पॉइंट्स है, लेकिन ये वाले जो बाकी के 4 पॉइंट है दे आर गेटिंग डिलीटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, मतलब 30 जून तक रहेंगे। वो डिलीटेड वाला मैं बाद में अमेंडमेंट करके लिख लूंगा, पहले ये समझ तो ले दैट ओवर द ईयर्स हमारी गवर्नमेंट ने 20 में से निकाल निकाल के 5% में किसको किसको डाला है। नॉर्मली इट वॉज 20, एक एक करके निकाल निकाल के हमने 5% में किसको किसको डाला। इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, सर ये क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड इज बेसिकली अ फंड विच इज क्रिएटेड फॉर, गैस मारो राइट निकलेगा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वी हैव ऑलरेडी सीन जीरो कूपन बॉन्ड के टाइम पे कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बहुत पुअर है। एक नया ब्रिज बनता है, खड्डा पहले होता है, ब्रिज बाद में होता है, थोड़ा सा बारिश होता है, सब बंद हो जाता है। धक्का मुक्की में, एक रेलवे स्टेशन की धक्का मुक्की में 20-30 लोग मर गया, 6 साल हो गया, लोगों को याद भी नहीं है, नहीं मालूम। दैट टाइम इट वॉज एल्फिस्टन स्टेशन ऑफ मुंबई, नाउ इट इज प्रभा देवी। यू हैव हर्ड ऑफ डॉक्टर दीपक अमरापुरकर? यू हैव? आई विल टेल यू हु वाज, दोज हु डोंट नो, डॉक्टर दीपक अमरापुरकर वॉज अ गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट, पेट की बीमारियां ठीक करते थे। टूडे इफ आई एम स्टैंडिंग हियर एंड टीचिंग इट इज बिकॉज ऑफ हिम। अगर वो नहीं होते तो मैं सीए ही नहीं बनता, पढ़ाना तो छोड़ दो। सेकेंड अटेम्प्ट में पढ़ना बहुत भारी पड़ता है, मतलब जान के ऊपर आती है। एक जैसे तैसे ये तो ठीक था, ग्रुप 1 वॉज क्लियर, ग्रुप 2 में एक एग्जेम्पशन था, 3 ही पेपर देना था और वो भी इसका की वजह से। अरे इसका में 29 आया तो पूरा ग्रुप वापस देना है, लेकिन जो एग्जेम्पशन था वो नहीं देना, ग्रुप 1 तो क्लियर। अरे टोटल 400 से ज्यादा था, जिसको मैंने पढ़ाया उससे भी ज्यादा, मतलब मेरे से कम टोटल वाले लोग दोनों ग्रुप क्लियर हो गए थे, खाली एक सब्जेक्ट की वजह से 3 पेपर देना था। लाइफ वॉज वेरी वेरी पेनफुल एंड आई हैव बीन अ ब्राइट स्टूडेंट ड्यूरिंग माई एकेडमिक करियर। एक तो कभी मैंने अपने रिजल्ट में एफ वर्ड देखा ही नहीं था, पहली बार देखा है एफ वर्ड, मैंने ये वर्ड ही नहीं देखा था कभी लाइफ में। और जो पहली बार देखता है उसके लिए और लाइफ में ट्रबल होता है। 6 महीने तक अपने आप को डिप्रेशन में टॉर्चर किया कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, और जब एग्जाम देने की बारी आई तो जॉन्डिस हो गया। 2 मई को ग्रुप 1 की एग्जाम चालू हुई थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ये तो मेरा ग्रुप 1 क्लियर था, नहीं तो वो अटेम्प्ट छोड़ना पड़ता। माई मदर टोल्ड द डॉक्टर दैट इसका 4 दिन के बाद, मतलब ग्रुप 1 कंप्लीट होता है मेरा, 2, 4, 6, मैं 10 तारीख से आई थिंक पेपर मेरा चालू, पोस्टिंग का पेपर था 10 तारीख को, 2 तारीख को मैं एडमिट हुआ था। माई मदर सेड सीए का एग्जाम है, डॉक्टर अमरापुरकर व्हाट अ गाय ब्रो, बोलता सुनो मेरा काम सीए का एग्जाम दिलवाना नहीं है, एकदम उनको किसी का डर नहीं है। एंड आई लाइक सच पीपल जो अपने काम में इतने परफेक्ट होते हैं कि उनके अली 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 बाबा मिला, सुना मिला बाबू, वो सब करने की जरूरत नहीं। मीठा उसको ही बोलना पड़ता है जो काम ढंग से नहीं करता है, जो अपने काम में परफेक्ट है ना वो कभी भी ऐसा है अली 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 उसको बोल के किसी को नहीं पटाने का रहता, बिकॉज यू आर परफेक्ट इन योर वर्क। एंड आई लाइक, आई माई सेल्फ बिलोंग टू दैट कैटेगरी, मतलब मेरा काम इसको ठीक करना है, मैं जितना जल्दी होएगा उतना करेगा, जादू का छड़ी मेरे पास नहीं है। और तुम सीए की पढ़ाई की बात करते हो, लोग पढ़ के भी फेल होते हैं, तो ये तो इधर हॉस्पिटल में पढ़ा है, इसका मैं क्या बोलूं कि एग्जाम दे पाएगा नहीं दे पाएगा। 2 दिन के अंदर आई वॉज अप एंड रनिंग, 5 तारीख को आई वॉज डिस्चार्ज, एंड मैंने को जितना मैं पढ़ सका उतना मैंने पढ़ा, और अगर उस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता तो मैं एग्जाम देता ही नहीं, तो मैं वापस शायद आई मैं फैमिली बिजनेस में घुस जाता। 4:30 बजे नहीं उठना पड़ता, गोल्ड मार्केट में बैठा होता मस्त, 5 घंटा काम करता, उसमें 1 घंटा लंच ब्रेक, और वो लोग 2 घंटा अकाउंट्स करते हैं, मैं 15 मिनट में कर लेता सीए की पढ़ाई की वजह से। लाइफ बहुत स्मूथ होता, लेकिन ठीक है, आई एंजॉय डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, इसके लिए आई एम डूइंग इट।
इनकम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पढ़ाना छोड़ दूं तो 2-3 जीरो और ऐड होंगे मेरी इनकम, मेरा नुकसान नहीं है अगर मैंने किसी दिन पढ़ाना छोड़ दिया, कभी नहीं है, नुकसान स्टूडेंट्स का ही है अगर मैंने पढ़ाना छोड़ दिया, मेरा फाइनेंशियली तो आई एम गोइंग टू गेन ओनली। तो डॉक्टर दीपक अमरापुरकर, व्हाट अ लेजेंड, वन डे व्हेन मुंबई वॉज फ्लडेड ही वेंट मिसिंग एंड आफ्टर 3 डेज हिज बॉडी वॉज फाउंड 10 किलोमीटर्स अवे इन अ ड्रेन, गटर के अंदर, क्योंकि हॉस्पिटल से घर जा रहे थे, मुंबई वॉज फ्लडेड, नी डीप वॉटर था, ड्राइवर को बोले कि गाड़ी खराब होगा तू साइड में लगा दे, मेरा घर 200 मीटर दूर है, गाड़ी लगा तू जा इधर से, तेरे घर मैं पानी में, वाटर लॉगिंग है लेकिन मैं पानी में चलता चलता घर पहुंच जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं है, पैदल चला जाऊंगा। और कुछ गधे लोगों ने जो गटर का ढक्कन होता है ताकि पानी फटाफट चला जाए, ढक्कन खोल के रखा था, वाटर लॉगिंग में तो पता नहीं रहता ढक्कन खुला है, ही फेल डाउन इन दैट ड्रेन एंड ही वॉज फाउंड आफ्टर 3 डेज, खाली हाथ में जो घड़ी पहना था उससे उनका पहचान। और उस टाइम पे गणेश उत्सव के आसपास का ही टाइम, बारिश बारिश, पीपल सेड के ही इज द गणपति बापा रियल लाइफ, वो लोगों की जान उन्होंने बचाई है और उनका भी विसर्जन ही हो गया, पर पब्लिक मेमोरी इज वेरी वेरी शॉर्ट। ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन के डॉक्टर्स उनसे सीखने आते थे कि कैसे काम किया जाता है, क्योंकि फॉरेन में लोगों का खाने पीने का इतना गंदा, वो चमगादड़ भी खा लेते हैं वो लोग, चाइना वाले लोग, दे ईट बैट्स, यू नो दैट ना, तो वो लोग का खाना इतना गंदा है कि उनका वैसे भी पेट हमेशा खराब ही रहता है। फॉरेन के डॉक्टर्स यूज टू टेक कंसल्टेंसी फ्रॉम, बट वी लॉस्ट हिम। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में आपको किधर भी देखने को मिलेगा ही नहीं, और कोई स्कोप भी नहीं है। तो इन ऑर्डर टू डेवलप दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, बट एट द एंड ऑफ द डे, नाउ कम आउट ऑफ योर इमोशन बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, एट द एंड ऑफ द डे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। गवर्नमेंट ने एक फंड सेटअप किया, इस फंड में जो भी पैसा आएगा वो पैसा यूज होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन गरीबों भूखो नंगो तुम्हारे देश में पैसा है किधर ये फंड में डालने के लिए? इस फंड में पैसा लाएंगे तो लाएंगे किसके पास से? नॉन रेसिडेंट से, तो नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एक तो तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, उसमें तुम इंटरेस्ट दे रहे हो, यू आर नॉट डूइंग अ फेवर, नो मेहरबानी यू आर डूइंग, एंड यू विल लेवी 20% टैक्स, देन नो वन विल गिव मनी ब्रो इन ऑर्डर टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। वी वॉन्ट टू एनकरेज नॉन रेसिडेंट्स टू इन्वेस्ट एंड अकॉर्डिंगली 5% विल बी द रेट ऑफ टैक्स। तो नॉर्मली अगर नॉन रेसिडेंट इंडिया में अपने दोस्त को लोन देता है तो 20, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में पैसा लगाया तो 5%। मूविंग ऑन, दो डिलीटेड, लेकिन डिलीटेड मतलब आपके, अगर एकदम ही डिलीटेड होते तो करवाता ही नहीं, आपको भी 3 महीने के लिए पढ़ना है इसको खाली, ओके? जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड का प्रोविजन आया तो देर वर अदर कंपनीज ऑल्सो डूइंग द सेम बिजनेस। पहले लॉजिक समझ लो, अगर लॉजिक बनेगा, माहौल बनेगा तो पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएगा। There were other companies which are doing this business. Now think about it. एक आप है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, और एक मैं है L&T, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, ऐसी कोई दूसरी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। हम दोनों सेम बिजनेस कर रहे हैं, दोनों को पैसे का जरूरत है, दोनों नॉन रेसिडेंट से बोरो कर रहा है। आप जो इंटरेस्ट दोगे उस पर 5% लगेगा, मैं जो इंटरेस्ट दूंगा उस पर 20% लगेगा, तो नॉन रेसिडेंट आपको पैसा देगा ना, मेरे को थोड़ी ना देगा। यू अंडरस्टैंड दैट इफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड का इंटरेस्ट इज अर्न्ड तो 5%, और कोई प्राइवेट कंपनी सेम काम कर रही है तो 20, तो फिर प्राइवेट कंपनीज को कोई पैसा ही नहीं देगा। दिस कंपनीज वेंट एंड टोल्ड द गवर्नमेंट, बोला माय बाप सुनो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड तुम लोग चलाते हो तो यू आर किलिंग अस इन कॉम्पिटिशन बाय मेकिंग सच लॉस, दैट तुम दोगे तो 5%, हम देंगे तो 20%, हमको कौन लोन देगा? तो अवर गवर्नमेंट ब्रॉट दिस चेंज, यू डोंट राइट दिस बिकॉज इट अगेन चेंज। इंडियन कंपनी डूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, तो वो वाले केस में भी वी विल अप्लाई 5%। दैट मीन्स कैन आई से प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट, दोनों में से कहीं से भी आपको पैसा आ रहा है तो बोथ इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल एट 5%। सो एज अ नॉन रेसिडेंट यू कैन मेक योर चॉइस, एटलीस्ट पार्शियलिटी तो नहीं होगी। That means, can I say government and private sector में भी broad parity? अब आता है मस्त question, business करने के लिए पैसा कौन सी industry को चाहिए? Infrastructure, rubbish, सबको चाहिए, सबको चाहिए। For anything you want to do in life, passion बाद में, पैसा पहले लगता है bro।
यू नीड पैसा फर्स्ट, बाद में पैशन। कोई आके बोलेगा आई हैव पैशन फॉर टीचिंग, तो बोल दो फ्री में पढ़ा दे। पैशन है ना तो पैसा क्यों मांगता है, फ्री में पढ़ा ले, कोई करवाएगा क्या? वो मेरा क्वेश्चन है आपसे, नहीं है ना? तो मित्रों पैसा पहले चाहिए। जब भी ये पॉइंट करता हूं ना, मेरे को मेरे आर्टिकलशिप के प्रिंसिपल याद आते हैं। याद आते हैं मतलब वो जिंदा है अभी भी, याद आते हैं मतलब हम लोग बहुत साल से टच में नहीं है ना। कौन कौन अपने आर्टिकलशिप फॉर्म को याद करता है सीए बनने के बाद? अनलेस यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी ऑफ आर्टिकल जो सुबह से लगाकर रात तक आपका जो प्रिंसिपल है, और आने वाले कुछ सालों में आपको वहां पे उसी फॉर्म में पार्टनरशिप भी दी जाती है उसके बाद, मतलब आपके फॉर्म में जो जूनियर पार्टनर है वो वही है जो एक टाइम पे आर्टिकल था और चाट चाट के पार्टनर बना है। सम आर ऑलरेडी इमेजिनिंग कि मेरे फॉर्म में वो जो वो है ना वो ही है चाटू। आप इमेजिन भी कर रहे हो कि आपके फॉर्म में ये किसको अप्लाई करता है। ओके तो मेरे आर्टिकलशिप के जो प्रिंसिपल थे, माय फादर्स हॉस्टल फ्रेंड, दोनों राजस्थान से मुंबई साथ में सीए करने के लिए आए थे, एंड माय फादर वाज लीस्ट इंटरेस्टेड इन स्टडीज बिकॉज हिज फादर सेंट हिम, ही केम, उनको बिजनेस ही करना था, बट दिस अंकल ही कंप्लीटेड चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड आई डिड आर्टिकलशिप अंडर हिम। और क्योंकि राजस्थान से आए थे तो उनका जो बोलने का स्टाइल, और वो अगर एक लाइन बोलेंगे तो वर्ड्स दो ही होते थे, आठ गाली होती थी। ऑफिस में आए तो डैश 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 डैश, फिर रिटर्न हो गया, उनका स्टाइल ही वैसा था। ओके तो आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट्स हाउ ही टॉक्स बिकॉज मेरा उनसे पर्सनल इंटरेक्शन इतना नहीं हुआ, फादर्स हॉस्टल फ्रेंड, बाद में लाइफ में इतना टच में नहीं थे। तो आई ज्वाइंट आर्टिकलशिप, पहले दिन से ही टॉकिंग लाइक दिस, आई गॉट एक्सट्रीमली ऑफेंडेड। बोले ये क्या तरीका होता है बात करने का, अरे सीए का आर्टिकल हूँ यार, कोई तो रस्ते पे चलते हो आदमी के साथ, हम तो कभी ऐसे बात नहीं करते, ये क्या तरीका है? आई टोल्ड माई फादर, माई फादर सेड ये ऐसा ही है, तू चिल करना, थोड़े टाइम में तेरे को ये कॉमेडी लगेगा। ही इज लाइक दैट ओनली, बट आई वॉज स्टिल नॉट कम्फर्टेबल। मेरे से छह महीने बाद में हिज डॉटर ज्वाइंड एज एन आर्टिकल इन द सेम फॉर्म, हिज डॉटर शी ज्वाइंड एज एन आर्टिकल इन द सेम फॉर्म। उस जमाने में ऐसा अनलिमिटेड वाईफाई नहीं होता था कि तुम कितना भी यूज करो, उसमें जितना ज्यादा डेटा कंजम्पशन हुआ है ना उतना ज्यादा बिल आता है। वो MTNL का लंबा चौड़ा बिल आता था, 5,000, 10,000, 15,000 का, बेस्ड ऑन हाउ मच यू हैव कंज्यूम। तो बहुत बड़ा बिल आया ऑफिस में इंटरनेट कंजम्पशन का। MTNL की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते थे कौन सी डेट को कितने बजे कौन सा वेबसाइट एक्सेस हुआ है आपके सिस्टम से जिसमें जितना डेटा। तो उन्होंने जाके चेक किया, वेबसाइट चेक की, सब पता चल गया, ये तो गेम्स डाउनलोड हुई है, ये सोशल मीडिया। और उन्होंने टाइमिंग चेक किया तो पता चला उस टाइम पे शी वॉज ओनली इन ऑफिस, नोबडी एल्स वॉज देयर इन ऑफिस। मतलब हम लोग तो सब सेफ हो गए भाई, दूसरे जितने भी आर्टिकल्स थे, दूसरे जो भी स्टाफ थे, शी वॉज इन द ऑफिस। और वो एक कंप्यूटर, सबका अपना अपना कंप्यूटर, कौन से कंप्यूटर से एक्सेस हुआ वो भी पता चल गया। एंड देन ही वॉज लाइक तू साली डैश 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 डैश, मुझे तो बर्बाद करने के लिए ऑफिस आती है। उस दिन से लगाकर रेस्ट ऑफ माय आर्टिकलशिप इट वाज अ कंप्लीट कॉमेडी लाइफ फॉर अस। इन हिज एब्सेंस वी यूज्ड टू एग्जैक्टली प्रिटेंड व्हेन वी यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर, वेदर मेल्स और फीमेल्स, एवरीवन इन द ऑफिस, सबको वो स्टाइल बैठ गया था। ये तो क्लास में हम बोल नहीं सकते, बाकी मजा आता है ऐसा, सर एक दिन वैसे वो स्टाइल से करके दिखाओ ना। नहीं इमेजिन करो, वी अनाउंस अ सेपरेट DT बैच, रात को 9 से 12 एडल्ट DT बैच, उसके अंदर वैसे ही बात करें। बोला देखो व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज रेकमेंडेड, पहले ही बोल देता हूं दैट लैंग्वेज विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसको ज्वाइन करना है वही करो, नहीं तो सुबह वाले बैच में आओ। समर लाइक सर मजा भी उसमें ज्यादा आएगा, सुबह उठना भी नहीं पड़ेगा, सर आई वुड प्रीफर दैट बैच। मैं अगर प्रेफरेंस लू ना तो मुझे लगता है कि इस बैच में कोई नहीं बचेगा। तो वी यूज टू टॉक ऐसे, तू डैश 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 रिटर्न फाइल किया क्या? हम लोग भी एक दूसरे से ऐसे ही बात करते थे लाइक एकदम कॉपी मार्केट, जो हम सब करते हैं ना अपने अपने प्रिंसिपल का कॉपी। तो उनका एक फिक्स लाइन हुआ करता था, जब भी डिपार्टमेंट जाके आते थे, वेदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तभी वो सेल्स टैक्स जाते थे, वैट डिपार्टमेंट जो मसगांव में हमारे उधर सर था वहां पे उस ऑफिस में जाते थे, जैसे ही यूज टू एंटर ही यूज टू स्टार्ट, साले सब डैश 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 डैश, सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, जो भी है साला डैश पैसा मांगता है। ही यूज टू गो एंड इंटरेक्ट विद द ऑफिसर्स ओवर देयर। वो लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी, नॉट द डैश डैश पार्ट, That other part, कौन सा वाला part? सबको पैसा चाहिए,
सबको पैसा चाहिए, मतलब कोई भी काम आपका फ्री में नहीं होने वाला है. नथिंग इज फ्री, इफ इट इज फ्री इट इज फॉर पब्लिसिटी. नथिंग इज फ्री, इफ इट इज फ्री इट इज फॉर पब्लिसिटी. तो उस टाइम ये इसका लॉजिक उसमें क्लियर हुआ और हमारी गवर्नमेंट ने चेंज करके बोला है नहीं कंपनी. बोले देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड पे 5% लग रहा, मैं L&T इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 5%, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG गुड्स, अरे नॉन रेसिडेंशियल लोन तो आप भी लोगे. अब हम लोग को इंटरेस्ट अगर देना है तो 5% टैक्स, आप इंटरेस्ट दोगे तो 20% टैक्स, तो आपकी इंडस्ट्री को कोई भी फंडिंग नहीं देगा. वी वॉन्ट टू ब्रिंग पैरिटी इन डिफरेंट इंडस्ट्री, ऐसा थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर अपना अपना ओला दे और बाकी सब इंडस्ट्री एडॉप्टेड है. वी वॉन्ट टू ब्रिंग पैरिटी इन द इंडस्ट्री ना. तो हम हमेशा ही बोलते हैं हम इंडियन लोग हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, इंग्लिश नहीं, भिखारी को भीख जितनी मिली ठीक, तू फॉरेन से पैसा ला कैसे भी ला, किसी भी इंडस्ट्री को दे. इंडियन कंपनी डूइंग एनी बिजनेस 5% का टैक्स रेट विल बी एप्लीकेबल. इज दैट क्लियर? लेकिन विद टू कंडीशंस. कंडीशन वन, आपका जो अग्रीमेंट है शुड बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अग्रीमेंट है वो अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. देखो आप लेंडर बोरोवर इतना बड़ा अग्रीमेंट कर रहे हो, मतलब इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहे हो लोन का और इंटरेस्ट का, आपस में एक अग्रीमेंट तो करोगे ना, दैट इतना इंटरेस्ट विल बी गिवन एट दिस इंटरवेल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करना चाहिए. एंड इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म फाइनेंस. आप सुनो ना, आप बैंक से पता है ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट या CC फैसिलिटी शॉर्ट टर्म लोन्स उठाए कभी लाइफ में? सच केसेस विल नॉट बी कवर्ड यार. जिसने लॉन्ग टर्म सब्सटेंशियल पीरियड के लिए अगर आपको लोन दिया है ओनली दैट विल बी कवर्ड. ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलता है एनी बोरोइंग विच इज नॉट टू बी रीपेड अप टू 7 years इज ट्रीटेड एज जनरली लॉन्ग टर्म. तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला लॉन्ग टर्म फाइनेंस होना चाहिए, शॉर्ट टर्म बैंक ओडी कैश क्रेडिट नहीं होना चाहिए. मतलब कहना इसे कि 5% विल गेट अट्रैक्टेड ओनली इफ दीज टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड. वो भी अगर कंपनी निकला तो, मतलब फॉर दोस थिंकिंग सर अगर एनी बिजनेस हो गया मतलब तो सब कुछ 5% हो गया तो 20 निकल गया, नहीं निकला. लोन गिवन टू इंडिविजुअल फॉर्म LLP आज भी 20 में जाएगा. अपने दोस्त को लोन दिया आज भी 20 में जाएगा. अगर इंडियन कंपनी को दिया लेकिन ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो आज भी 20 में जाएगा. अभी तो मैंने आपको जैसा बोला 1 जुलाई से तो यहाँ के जो पॉइंट्स है वो सब डिलीट हो रहे हैं. तो ये सब कंडीशन वंडीशन क्या बाढ़ में, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड विल रिमेन इन 5, एवरीथिंग एल्स हैज टू गो इन 20 ओनली. तो 20 तो अभी रहने ही वाला है, उल्टा 5 निकल रहा है. आप समझा क्या? एंड यू अंडरस्टूड द कनेक्शन? फर्स्ट दे रोट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, देन दे रोट एनी बिजनेस. ओके, देन एक लाइन है तो कर लेता हूं. इफ यू इन्वेस्ट इन समथिंग कॉल्ड म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज तो उस पर भी 5%. सर म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे पैसा रेस करती है, स्टेट गवर्नमेंट रेस करती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कैन रेज मनी बाय इशूइंग सिक्योरिटीज टू यू. मतलब योर मनी इज डायरेक्टली बीइंग यूज्ड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 5%. नॉन रेसिडेंट को ए रेसिडेंट जाके सिक्योरिटीज अक्वायर करेगा, देगा लफा, व्हाट विल इट विल बी टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट. आई होप यू ऑल हैव नॉट फॉरगॉटन, कॉम्बो हुआ तो स्पेशल रेट लगेगा. तो म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज 5%. इज दैट क्लियर? ऑफ कोर्स 5% के अंदर एक और है, इन सब का इन्होंने बाद में करके क्या किया, 1 जुलाई से निकल. सो व्हाट इज गोइंग टू बी दैट अमेंडमेंट, हाउ इट इज डिलीटेड? एग्जिस्टिंग में 5% में क्या क्या है, जून तक क्या क्या रहेगा, 1 जुलाई से क्या निकल जाएगा, फिर आंटी ने जो 4% और 9% लाया वो क्या है, कुछ एग्जेम्पशंस है वो भी. इट इज गोइंग टू टेक अ लिटल लॉन्गर, बट जो भी टाइम लगे वो लगे. वी हैव टू कंप्लीट इट, वी आर गोइंग टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ इट टुमारोज लेक्चर. बट इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट